तो महाठक किरण पटेल बाद વધુ એક મહાઠક પકડાયો છે। સીએમઓના અધિકારી કહીને મહિલા મોડલ સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું। મુંબઈની મોડલને ગિફ્ટ સિટીમાં એમ્બેસેડર બનાવવાની લાલચ આપી હતી। ગોવા અને મુંબઈ તેમજ વડોદરામાં મોડલ સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું છે તો મહિલા મોડલને ભોળવીને 3.5 લાખ રૂપિયા પણ પડાવી લીધા। મહાઠક વિરાજ પટેલ સામે પોલીસે 2 ફરિયાદ નોંધી છે। મહત્વનું છે સીએમઓના અધિકારી અને ગિફ્ટ સિટીના પ્રેસિડેન્ટની ખોટી ઓળખ આપીને महिला मॉडल साथ दुष्कर्म आचर्यु हतु। महाठक विराजे मुंबई में रहती महिला मॉडल ने गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसेडर बनाववानी लालच आपी हती, जे बाद विराज पटेले महिला मॉडल ने विविध जग्याओं पर फेरवीने दुष्कर्म आचर्यु होवानी मॉडलनो आरोप छे। तो महाठक विराज पटेल मॉडल साथ थिएटर में फिल्म जोवा गयो हतो, जे अमुक लोको साथे माथाकूट थई, जेने लईने पोलीस आवता ज विराज पटेले पोते सीएमओना अधिकारी तरीकेनी ओळख आपी हती, परंतु पुलिस ने शंका जता तपास करता महाठगनी तमाम करतूत सामे आवी। विराज पटेल ने मुझे ये कहा था कि वो गिफ्ट सिटी के सीएमओ में प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करते हैं, उनके सिग्नेचर के बगैर मेरा ये नहीं होगा। उनके सिग्नेचर हो चुके हैं, दिल्ली से जाके फाइल आ चुकी है साइन होके, और आप ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, और आपका 24-25 को शूट है, फिर 26-27 को दुबई में है। सब उन्होंने मेरे से बोला, धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाया मुझे, और मेरे से उसी टाइम पर मेरे से पूछा कि आप मेरे साथ चलेंगी क्या। गोवा में वहाँ पर रुके, एक दिन परमिशन नहीं आई, दूसरे दिन परमिशन नहीं आई, होते होते 3 दिन हो गए। उसमें इन्होंने मेरे फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल करने शुरू कर दिए थे। मुझे बस यही कहना है कि मैं एक बहुत पुरानी आर्टिस्ट हूँ, बॉलीवुड में काम कर रही हूँ। ऐसे फ्रॉड लोगों को सज़ा दी जाए, और जो मेरे से कमिटमेंट किया गया है कि मैं गिफ्ट सिटी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, वो मुझे पोजीशन दी जाए, मेरी सैलरी के साथ, मेरे पर डे के साथ, मेरी इज्जत के साथ, और मेरे घर वालों की सेफ्टी के साथ, क्योंकि सबके थ्रेटन आ रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली को।